हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड फूड पैलेस। आज मैं आपके साथ अपने नए घर की कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ। हमने यहाँ पर तमिलनाडु में न्यू रेंटल हाउस लिया है, तो अभी अभी हम शिफ्ट हुए हैं। ऑफिस के कुछ लोगों को, कुछ कुलिक्स को इन्होंने इनवाइट किया है, तो बस उसी की खाने की तैयारी हम कर रहे हैं आज। ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा टेम्पल है, ये वुडन टेम्पल है, छोटा सा घर में बना रखा है, घर के बीचों बीच। यहाँ पर डाइनिंग टेबल है और ये देख सकते हैं आप, न्यू पेंटेड हाउस है। यहाँ टेरेस है ये, तो मेरी बेटी यहाँ पर आके बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रही है। वो टेरेस पे साइकिल चला सकती है फ्री होकर। पिछले घर में भी था, लेकिन इतना अच्छा टेरेस नहीं था जितना बड़ा और ब्यूटीफुल टेरेस है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, मॉर्निंग टाइम है और सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए किचन में, मैं आपको बताती हूँ मैंने आज खाने में क्या क्या बनाया। आज हमने लंच पर कुछ कुलीग्स को इन्वाइट किया है, तो यहाँ पर मैं पनीर आलू फ्राई बना रही हूँ। तो अभी मैं आलू फ्राई कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और ये फ्राई हो चुके हैं मेरे आलू। अब मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी और पनीर फ्राई करूँगी। मैं यहाँ पर ग्रेवी वाले आलू पनीर बना रही हूँ, ड्राई नहीं बना रही। तो ये एक पतली सब्ज़ी हो जाएगी, एक सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, और यहाँ पर पाल पयासम चलता है, मतलब सेवई की खीर, वो भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, उसमें हींग जीरा ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर दी है, और यहाँ पर मैं सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू काट के छौंक दिए, उसमें सौंठ और सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा वाटर ऐड करके अब मैं इसको लिड से कवर करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट्स के बाद हम फिर से इसको चेक कर लेंगे इसके सब्ज़ी का क्या हुआ। यहाँ पर हम अपनी दूसरी सब्ज़ी की तरफ आ जाते हैं, जो है पनीर आलू फ्राई। तो यहाँ पर हमने ऑयल में जीरा और हल्दी ऐड किया और वाटर ऐड किया, जितना आपको पतला रखना है सब्ज़ी को, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए उतना वाटर ऐड किया, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं टमाटो कट कर रही हूँ, टमाटो चॉप कर रही हूँ, तो जो कि हमारी वेजिटेबल में सूखी वाली सब्ज़ी में ऐड होंगे। और ये ग्रीन चिली है, मैं बीज हटाकर ग्रीन चिली भी कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पर मैंने सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है, पानी में बॉयल आ चुका है। और ये हमारी दूसरी सब्ज़ी, मैं बीच बीच में आपको कभी ये कभी वो दोनों सब्ज़ियाँ दिखा रही हूँ। तो ये टमाटो और कैप्सिकम मैंने ऐड कर दिया सूखी वाली वेजिटेबल में। आलू जब थोड़े से गल जाए उसके बाद ऐड कीजिए टमाटो और कैप्सिकम, क्योंकि फिर आलू गल नहीं पाते ठीक से। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली सब्ज़ी में यहाँ पर मैंने आलू और पनीर फ्राई करके ऐड कर दिया है। अभी मैं आटा लगाने की तैयारी में हूँ, आटा निकाल रही हूँ मैं बॉक्स से। तो मैंने आटा निकाल लिया है, यहाँ पर मैं पूरी का आटा लगाने वाली हूँ। ये मैं अचार का जो मसाला रहता है, आम के अचार का जो मसाला रहता है, मैंने इसको ऐड किया है पतली वाली सब्ज़ी में। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यमी टेस्ट आता है, स्पाइसी हो जाती है। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है, थोड़ी देर इसको ढककर कुक करेंगे। और ये हमारी दूसरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने सेवई ले ली है पाल पयासम के लिए, इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट्स तक बॉईल करेंगे और हमारी खीर एकदम रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसमें बॉईल आ चुका है और ये मेरा रायता भी रेडी है। दही को जस्ट मैंने चला लिया था और उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट और जीरा भून कर डाला है। सिंपल सा रायता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है ये रायता, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्लैब साफ़ कर ली है पूड़ियाँ बेलने के लिए। तो आटा भी मेरा लग चुका है, पूरियों का टाइट आटा लगाया है मैंने। यहाँ पर मैं ठंडाई पाउडर ऐड कर रही हूँ खीर में, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। ये ठंडाई पाउडर है जो दूध में डालकर ठंडाई बनाते हैं होली के टाइम पर, वो पाउडर है ये। तो मैंने 2 टीस्पून लिया है ये, और थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करके इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। उसके बाद इसको मिल्क में या खीर में ऐड करेंगे तो इसका बहुत ही यमी टेस्ट आता है। खीर का कलर भी येलो हो जाता है और आपको कुछ अलग से केसर बादाम वगैरह ऐड भी नहीं करना पड़ता, बहुत ही यमी टेस्ट आता है खीर का। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं डाला, केवल मिल्क
और मैंने एक चीज़ मेलन सीड्स और डाले थे इसमें, रोस्टेड मेलन सीड्स मैंने खीर में ऐड किए थे। और शुगर भी मैं यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ खीर में, शुगर थोड़ी कम ऐड की थी क्योंकि मैंने ठंडाई पाउडर भी ऐड किया था, ठंडाई पाउडर में भी शुगर रहती है, तो शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड की थी। ये देखिए मेरा सारा खाना टेबल पर लग चुका है, सैलेड भी कट हो चुकी है, तो बस अब पूरियाँ सेकना बाकी है। तो अब मैं पूरियाँ बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से करके रखा हुआ था और थोड़ा सा ऑयल कम है तो मैं इसमें थोड़ा ऑयल और ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मूंगफली का ऑयल चलता है, मतलब ग्राउंडनट ऑयल, यहाँ पर साउथ इंडिया में ग्राउंडनट ऑयल चलता है तो मैं ग्राउंडनट ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पूरियाँ तलने के लिए। बाकी के आटे को मैंने कपड़े से कवर कर लिया है और मैं यहाँ पर पूरियाँ बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। थालियाँ सारी लग चुकी हैं, हस्बैंड दूसरी साइड में थालियाँ लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ। बाहर सभी लोग आ चुके हैं खाने वाले, तो चाय वगैरह, चाय नाश्ता सब हो चुका है, बस अब खाने की तैयारी है। तो ये मैं पूरियाँ बेल रही हूँ। ऑयल मेरा इतनी देर में गर्म हो चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी पूरी बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पर मैं थालियों में सारी एक एक पूरियाँ रख दूँगी। और अब थालियाँ सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो खाने वाले सब टेबल पर बैठ चुके हैं, खाना स्टार्ट हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। थैंक यू।